दोस्तों बिग बॉस 13 की कैटरीना कैफ कही जाने वाली और पंजाब की भी कैटरीना कैफ कही जाने वाली शहनाज गिल इन दिनों अपनी सुपर हॉट पिक्स को लेकर इंटरनेट पर छाई हुई हैं। जी हाँ, एक तरफ जहाँ शहनाज का बार्बी लुक लोगों को खूब पसंद आ रहा है, खूब भा रहा है, तो वहीं कातिलाना अंदाज में शहनाज गिल लॉकडाउन से बचने की सलाह भी एकदम हट कर दे रही हैं। बीते दिन शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की थी, जो कि मैंने आपसे लाइव वीडियो के दौरान शेयर की। और अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने मेंशन की हुई, आप देख सकते हो। लेकिन आपको बता दूं, खास बात यह है इस ड्रेस को लेकर शहनाज की कि उन्होंने कैप्शन में अपने फैंस की परवाह करते हुए कैप्शन तो लिखा ही था कि मास्क जरूर पहनिए, सलाह जरूर दी थी मास्क पहनने की अपने फैंस को। वहीं साथ ही साथ शहनाज की इस ड्रेस को लेकर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी खबरें वायरल हुई है जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे। जी हाँ, आपको बता दें, पहली बात तो कि जो शहनाज गिल ने इसमें ड्रेस पहनी हुई है, जैकेट जो पहनी हुई है, सिल्वर कलर की जैकेट जो पहनी हुई नजर आ रही है पंजाब की कैटरीना कैफ, जिसे उन्होंने ब्लैक पैंट के साथ वेयर किया हुआ है। शहनाज की ये जो जैकेट थी, बेशक दिखने में कैजुअल लग रही हो, लेकिन शहनाज की जो ये जैकेट थी दोस्तों, वो थी मुंबई बेस्ड फैशन डिजाइनर रॉक स्टार के लेबल हाउस से थी। इतना ही नहीं, इस जैकेट की एक और खास बात है कि इसमें जो मटेरियल लगाई गई थी वो है मेटलिक शीन फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया था, जिसे स्ट्राइकिंग जिप हुड के साथ तैयार किया गया था। वेल, हमारी सना कुछ भी पहने और आलतू फालतू कुछ भी पहन ले, ऐसा हो सकता है क्या? बेशक वो चीजें नॉर्मली कैजुअली लगे देखने में, लेकिन वो होती खास है। इतना ही नहीं, अगर आपने शहनाज की मेकअप पे ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको पूरी डिटेल में ले चलती हूँ। जी हाँ, शहनाज ने इस फोटो के अंदर, बेशक इनका मेकअप हाई फाई या बहुत ही ज़्यादा नहीं लग रहा हो, सिंपल लग रहा है, नेचुरल लग रहा है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि शहनाज ने इस पहनावे को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम मेकअप के साथ अपने चिक्स को हाईलाइट किया था, जिसके साथ बेसिक लाइनर और ब्राइट पिंक लिप्स इस ओवरऑल आउटफिट के साथ अच्छे से मैच कर रहे थे। वह शहनाज जब मेकअप करती है ना, तो एक खास बात जरूर होती है कि इनकी जो मेकअप होती है वो बिल्कुल नेचुरल लगता है। जब सिद्धार्थ के साथ शहनाज लाइव वीडियो में आई थी, तब भी जब मेकअप करके बैठी थी लाइव वीडियो में, तो सिद्धार्थ कह रहे थे कि इतना सारा मेकअप करके आई हो, पूरा मेकअप थोप कर आई हो तुम तो फेस के ऊपर, तो शहनाज का ये कहना था कि भाई मैं अपने फैंस के सामने जा रही हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैं बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है मेरी, मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ। हालांकि सिद्धार्थ ने वहाँ पोल खोल डाली थी शहनाज की, उन्होंने बोल डाला था कि इतना सारा जो मेकअप रिमूवर ख़त्म करती हो, पूरा का पूरा बोतल, वो किस पे ख़त्म करती हो, वो कैसे ख़त्म हो जाता है, तो शहनाज हंसने लग गई थी। वेल, शहनाज मेकअप करे या ना करे, दोनों ही रूप में वो बेहद ही क्यूट लगे, और जो उनकी स्माइल है ना, उसका तो कहना ही क्या। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी शहनाज के बारे में, जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको बता दे, इस जैकेट की जो कीमत है, जो शहनाज ने पहनी हुई है, ये है 8,999 रुपये के आसपास है। वहीं शहनाज जब से बिग बॉस 13 से आई हैं, बहुत सारी एड वीडियो भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इस जैकेट के बारे में इतनी सारी बातें बताकर शहनाज इस जैकेट की एड ही कर रही हैं, ऐसा ही समझ लीजिए। और शहनाज जिस चीज़ की एड करे और फैंस को ना पसंद आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वेल, आपको ये जैकेट कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और शहनाज का ये शिमरी लुक, बार्बी डॉल लुक कैसा लगा, ये भी ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हौसला रख फिल्म लेकर आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये भी जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए आपका और सिर्फ आपका अपना चैनल बॉलीवुड की दीवानी। थैंक यू।